अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी महरोश महमूद एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन लिटिल हैप्पीनेस विद महरोश। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, साबित कदमी चाहिए। खीर बनाते वक्त बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि खीर नीचे लगे ना, नीचे जले ना, बस चम्मच हिलाते रहना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। 7 किलो दूध लिया है मैंने, इसको एक उबाला आने दूंगी। उससे पहले मैंने ये 8 ग्रीन कार्डमम लिए हैं, वो शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उबाले का वेट करूंगी, नीचे ना गिरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उबाला आ गया, देखें दूध हमारा उबल गया। अब साथ ही मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। चावलों को मैंने ओवरनाइट धो के भिगो के रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही इसमें मैं 2 से 3 कप मलाई शामिल कर दूंगी। दूध जब उबाला आता है दूध को, तो जो ऊपर मलाई आ जाती है ना, ये वो मलाई मैंने निकाली हुई है, अपने घर की है, तो ये शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा एक उबाला आने का वेट करूंगी। हमारा उबाला आने लगा है, ऑलमोस्ट आ गया। इससे पहले कि दूध बाहर गिरे आपने ख़ास ख्याल रखना है, साथ ही चमचा हिला देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसको दम की आंच पे बनाऊंगी। बिल्कुल भी आपने कोताही नहीं करनी, गफलत नहीं करनी। जिधर आपने गफलत की उधर ही खीर आपकी नीचे लग जाएगी। बार बार आपने चम्मच हिलाते रहना। चावल जो हैं वो मेरे अभी ऊपर नहीं आए हैं, देखिए चावल का दाना जो है वो साबुत है। जब ये ऊपर आ जाएंगे ना चावल, तब आप रिलैक्स हो जाएंगी थोड़ा सा थोड़ा सा। अभी चावल मेरे नीचे ही बैठे हुए हैं, जब तक चावल नीचे बैठे हुए हैं ना, तब तक तो आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है। चावल हमारे ऊपर आ चुके हैं, देखें अगर मैं जूम करके दिखा सकिया मेरा कैमरा, ये देखें चावल हमारे ऊपर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो सकती हैं। अभी भी मेरा जो चूल्हा है वो बिल्कुल दम की आंच पे है, ठीक है। इसमें अब आपने बार बार 10 मिनट बाद चम्मच हिलाते रहना है। टाइम हुआ है 1:30 बज रहा है इस वक्त दोपहर के, तो अब मैं 10 मिनट बाद तकरीबन 2 घंटों तक इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी। और ये देखें ऑयल भी साइडों पर आ गया है, जो हमने मलाई डाली थी ना, और ऐसा ऐसा हमारा दूध पकना शुरू हो गया ना, तो उसका भी ऑयल सेपरेट आउट हो रहा है। सुभान अल्लाह, देखें कलर चेंज हो गया हमारे दूध का, येलो सा कलर आ गया है। और खीर को पकते हुए ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए हैं, 2 घंटे गुजर चुके हैं। इसको मैं एक दफ़ा फिर चम्मच हिला लूँगी अच्छी तरह, ताकि आपके पास नीचे ना लगे। दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब आपने बिल्कुल भी चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, ठीक है। इसको अब आपने इतना चम्मच हिलाना है अपनी उसमें खीर में, कि जो हमारे जो चावल हैं ये मैश हो जाएं बिल्कुल। हम इनको मसलेंगे, साबत हमारा दाना ना रहे। चम्मच से भी आप इसको मैश करते हैं कर सकते हैं, और आप एक फ़ोर्क ले लें, फ़ोर्क की मदद से भी आप अपने चावलों को मैश कर सकती हैं। जितना आप चमचा हिलाएंगी या डोई हिलाएंगी, उतनी ही आपके जो चावल हैं वो मैश होंगे, और जो आपकी खीर है वो नीचे लगेगी नहीं। शुगर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुगर मैं इतनी ज़्यादा नहीं डाल रही, जो लोग मीठा कम पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन हो गया। खीर जो है वो नीचे लगना शुरू हो गई है। अब मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं करूँगी, बिल्कुल भी गफलत नहीं करनी, और बार बार चम्मच हिलाते रहना है।
क्यों? क्योंकि मेरा जो दूध है वो गाढ़ा हो गया है, चावल जो है वो यकजान हो गए हैं। लो जी, डोई मैं फड़ ली है, तो लाना तुसी कोटा। जिन्ना गुस्सा ना सारा इस कोटे ते तुसी कढ़ देना, दे तेरे की, दे तेरे की, दे तेरे की, ला देना सब। चावल हमारे गल गए हैं, ये देखें। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी शुगर को कैरेमलाइज करूँगी। पैन मेरा गर्म होके है, 1 कप मैंने शुगर लिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और इसको मैं कैरेमलाइज करूँगी। आप शुगर की जगह कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन मैं शुगर लूँगी। क्यों? क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट बहुत इससे इन्हेंस होगा। कंटिन्यूसली आपने चम्मच हिलाते रहना। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1 to 2 टेबल स्पून, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुगर हमारी कैरेमलाइज होना शुरू हो गई है, देखिए साइडों साइडों से, किनारों से ये ब्राउन होने शुरू हो गई है, आप देख सकती हैं। शुगर हमारी रेडी है, जितना मुझे कलर चाहिए था उतना आ गया। अब मैं इसको अपनी खीर में शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लें जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खीर, खोए वाली खीर, मज़ेदार टेस्टी खीर तैयार है। आप लाजमी अम्मी अबू को खिलाएं, फीडबैक शेयर करें कमेंट्स में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।